हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुपिंदर राजावत श्री जमा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम देखने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, किसी एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, उस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक सिंपल एग्जांपल को देखते हैं, जो एलजेब्रा का नहीं है, नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड करने वाला एग्जांपल है। वो अगर आपको समझ में आ गया तो पॉलिनोमियल का डिवीजन भी हम आसानी से समझ सकेंगे। तो देखो, यहाँ मैंने लिखा है 35 को मैंने 6 से डिवाइड किया है, तो 6 5 30 आ गया और 5 टाइम डिवाइड हुआ तो वो यहाँ लिख दिया, और जब सबट्रैक्ट करेंगे 30 को इसमें से तो 5 आ गया। तो यहाँ देखो किस किस को क्या क्या बोलते हैं, ये आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है, डिवाइजर, यानी कि भाजक कहलाता है। जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है, डिविडेंड अर्थात भाज्य कहलाता है। और जो हमारा रिजल्ट आता है, जैसे 5 टाइम डिवाइड हुआ, ये हमारा क्वेश्चन कहलाता है अर्थात भागफल कहलाता है। और जो लास्ट में कुछ बच जाएगा सबट्रैक्ट करने के बाद में, घटाने के बाद में जो कुछ बच गया वो हमारा रिमाइंडर कहलाता था, शेषफल कहलाता है। ये आपको पहले से पता होगा। अब इन सभी के अंदर क्या 6, 5, 5 और 35, इनमें एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है, देखो ये जो 35 है, ये 35 कैसे आ सकता है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30 आएगा, 30 आएगा और 30 में 5 जोड़ो तो 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, देखो कि 35 बराबर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 5 और प्लस जो लास्ट में बचा उसको एड कर दो तो हमारे को हमारा पहले वाला जो डिविडेंड था, एक्चुअल डिविडेंड था, वो हमारे को मिल जाएगा। ये इनमें रिलेशन होता है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 35 क्या था, डिविडेंड था, तो डिविडेंड और 6 क्या है, डिवाइजर है, 5 क्या है, क्वेश्चन है, और ये वाला 5 क्या है, रिमाइंडर है। तो बोल सकते हैं जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर और क्वेश्चन का तो मल्टीप्लाई होता है, और उसके अंदर प्लस करने पे, रिमाइंडर प्लस करने पे हमारे को डिविडेंड मिलता है। अर्थात भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये भी आप लोगों ने कभी ना कभी बचपन में पढ़ा होगा, या 6-7 क्लास में, या जब भी आपने डिविजन सबसे पहले सीखा होगा, डिवाइड करना भाग देना, वहां ये भी आपको बताया गया होगा। अब यहाँ एक चीज और है, देखो मैंने इनको कुछ नाम दे दिया, मैं बार बार क्या करूंगा ये नोट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा इन्हीं से आगे की सारी प्रोसेस करूंगा। जैसे मैंने जो डिविडेंड था 35, उसको पी नाम दे दिया, जो डिवाइजर था उसको जी नाम दे दिया, जो कैसर था उसको क्यू नाम दे दिया, और जो रिमाइंडर आया उसको आर नाम दे दिया। तो बोल सकते हैं जो पी बराबर क्या होगा, जी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर होगा। तो मैं बार बार जब भी आगे कभी यूज करूंगा तो मैं इस चीज को यूज करूंगा, तो आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ किसके किसको किस चीज से हमने रिप्रेजेंट किया है, उस टाइम पे किसकी बात कर रहे होंगे हम। तो यहाँ देखो, यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है, हमें जब तक सोल्व करता रहना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, जब तक ये हमारा रिमाइंडर है ये क्या नहीं आ जाए, डिवाइजर से छोटा नहीं आ जाए। जैसे 5 है, अब 5 क्या है, 6 से छोटा है, तो हमने क्या कर दिया, ये स्टॉप कर दिया। अगर ये और बड़ा होता, मान लो कि 51 कुछ होता है, या 50 होता है, या 6 से बड़ा होता, तो हम क्या करते, 1 टाइम और डिवाइड करते, तब जाके आगे हमें स्टॉप करना था इसको। तो देखो रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा तब तक हमें ये सोल्व करना है तब तक कि रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए, छोटा नहीं आ जाए किससे, डिवाइजर यानी कि जिससे हम भाग दे रहे उससे छोटा नहीं आ जाए शेषफल, तब तक हमें सोल्व करना है। अब यहाँ देखो मैंने दो एक और पॉइंट्स बनाए हैं। लास्ट के अंदर हमारे को कभी कभी तो हो सकता है कि रिमाइंडर यानी आर की वैल्यू, इस आर की वैल्यू क्या मिल सकती है, 0 मिल सकती है, या ऐसा हो सकता है कि जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू क्या हो, 0 नहीं मिले, यही दो केस हो सकते हैं। तो जब 0 मिल जाता है तो उस केस में क्या होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इसका इसमें पूरा पूरा भाग चल गया, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड कर देता है 35 को, अगर यहाँ डिवाइड हो जाता लास्ट में 0 आता तो रिमाइंडर, इसका मतलब यही होगा। और हमने फैक्टर नाम का टॉपिक भी कभी ना कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने, 6th क्लास में आता है, 5th क्लास में भी आता था। फैक्टर क्या होता था, जैसे 24 है तो 24 को हम पूरा पूरा किससे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 1 से 2 से 3 से 4 से 8 से 6 से 12 से और 24 से। तो ये सब नंबर्स वो है जिनसे अगर हम डिवाइड करेंगे 24 को, यानी भाग देंगे, तो क्या आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में रिमाइंडर अर्थात शेषफल हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये जो कहलाता था, जिसको हम बोलते थे गुणनखंड या फैक्टर, मतलब कि ये क्या है, ये सारे नंबर्स क्या है, 24 के फैक्टर्स कहलाएंगे। उसी तरीके से देखो, अगर हम बोले कि यहाँ डिविडेंड के अंदर किसी डिवाइजर से डिवाइड किया हमने, तो अगर लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि जिससे डिवाइड किया है, जैसे हमने जी से डिवाइड किया था यहाँ,
तो जी क्या होगा, जिसको डिवाइड किया है पी में डिवाइड किया, तो पी का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो यही चीज मैंने लिखी है देखो, तो जी इज ए फैक्टर ऑफ पी। तो अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हम बोल देंगे कि जी क्या होगा, पी का फैक्टर होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ लिखा है देखो, 24 है, इसको 6 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 4 टाइम है, लास्ट में रिमाइंडर कितना बचा 0। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 6 है वो क्या कहलाएगा, इस 24 का एक फैक्टर होगा। तो इस चीज को मैंने यहाँ भी नोट कर दिया देखो, 6 इज द फैक्टर ऑफ 24, यानी कि 6 क्या है, 24 का एक गुणनखंड है। और अगर r की वैल्यू 0 नहीं आती है तो हम बोल देंगे कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, जी है। देखो ये क्या होगा, एक फैक्टर नहीं होगा इस वाले p का, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ना, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं p में 35 में, तो इसका फैक्टर नहीं होगा। इसका एग्जांपल देखो ये रहा, तो बोल सकते हैं जो 6 है वो 35 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे को रिमाइंडर लास्ट में जो शेष मिल रहा है वो 0 नहीं मिल रहा। तो एक बार इस चीज को आप नोट कर लीजिए, फिर हम यही चीज क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स के लिए अप्लाई करेंगे, वहां कंडीशन देखेंगे कि कब हम डिवाइड कर सकते हैं कब हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे ये वाली चीज को देखते हैं। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम पे वापस से आते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम तो क्या है, पूरी प्रोसेस को डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिवाइड हम कब कर पाएंगे। जैसे px एक पॉलिनोमियल है, इसको हमें gx एक दूसरे पॉलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसकी सबसे पहले हम जो चेक करेंगे वो क्या करेंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन वैलिड होगी, यानी कि ये शर्त अगर है उस क्वेश्चन के अंदर px और gx में, तभी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, वरना हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे कि इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखो क्या करना है, हमें इस px की डिग्री चेक करनी है। अब डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल होगा जो चर होगा उसकी सबसे ज्यादा वाली जो पावर होगी ना पूरे पॉलिनोमियल में, वही क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। अभी हम एग्जांपल से भी देखेंगे, तो जो px है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किससे, डिग्री ऑफ gx, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, डिवाइजर हो गया अर्थात भाजक हो गया। तो भाजक की डिग्री क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किससे, जिसके अंदर हम भाग ले रहे हैं, इसका मतलब डिविडेंड यानी कि भाज्य के। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, पहले इसको चेक करके बताना हम किसकी से डिवाइड कर सकते हैं किसकी से डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखो ध्यान से देखो, यहां इसकी डिग्री कितनी दिख रही है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3। तो जो पॉलिनोमियल था px, इसकी डिग्री तो कितनी है, 3 है। इसकी डिग्री देखो 1 दिख रही होगी, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 दिख रही है। यहां x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, यहां 3 दिख रही है और यहां हाईएस्ट पावर 4 दिख रही है। तो यहां देखो हमारी कंडीशन पे वापस आते हैं, क्या px की डिग्री gx की डिग्री से बड़ी और बराबर होनी चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहां देखो कौन कौन सी वो है, तो px की डिग्री इससे बड़ी है मतलब इससे डिवाइड कर सकते हैं, यहां भी px की डिग्री बड़ी है इससे भी कर सकते हैं डिवाइड इस वाले से, यहां बराबर है तो बराबर वाला केस भी लिया जा सकता है, तो हम बोल सकते हैं इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहां जो gx था जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री से px की डिग्री से ज्यादा होगी, मतलब इसमें वेरिएबल की पावर 4 होगी, यानी कि हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है क्वेश्चन के अंदर कि हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमें क्या देखनी है, px और gx की डिग्री देखनी है। अगर px की डिग्री ज्यादा है और बराबर है किसके, gx से, मतलब कि जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं उसकी डिग्री ज्यादा है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री से, या बराबर है दोनों की डिग्री, तो ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वरना हम वही बोल देंगे कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं, फिर आप एक साथ नोट कर लेना। देखो जैसे px एक पॉलिनोमियल था, इसको हमने gx पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, कुछ qx निकल के आएगा, यानी कि कुछ भागफल निकल के आएगा, ये क्या है हमारा क्वेश्चन है, यानी कि भागफल आएगा कुछ निकल के और लास्ट में कुछ बच सकता है वो रिमाइंडर होता है, अर्थात ये इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ये सारी चीजें निकाल देंगे हम, ये डिवाइड करने का अभी हम प्रोसेस पूरी पढ़ेंगे, तब ये डिवाइड कैसे होगा वो हम उस प्रोसेस के अंदर देखेंगे, एग्जांपल के साथ में उस उन सभी स्टेप्स को भी लिखेंगे, उस एग्जांपल के अंदर उन सभी स्टेप्स को साथ के साथ अप्लाई भी करते जाएंगे, तो जिससे कि वो एग्जांपल भी समझ में आ जाएगा और सारे स्टेप्स भी हमारे को याद भी हो जाएगी और हम समझ भी लेंगे। तो देखो अब यहाँ भी वही केस है कि रिमाइंडर जो लास्ट में बचेगा वो क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है या फिर जीरो नहीं भी हो सकता। अगर मान लो कि लास्ट में रिमाइंडर कितना आ गया,
जीरो आ गया, तो हम बोल रहे हैं कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब जी एक्स, जिसके अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं पी एक्स, तो ये वाला जो जी एक्स है वो क्या कहलाएगा, इस पी एक्स का एक फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ देखो मैंने लिख भी दिया इसको कि अगर आर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आ जाए, तो बोल देंगे कि जी एक्स क्या है, पी एक्स का एक फैक्टर अर्थात गुणनखंड होगा। तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने कंडीशन देखी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने की, वो क्या थी कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिविडेंड, इसकी जो पावर है यानी डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब कि डिवाइजर, इससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, पहले तो ये चेक करना है हमारे को। इसके बाद में हमने ये देखा कि रिमाइंडर कितना आता है लास्ट में, उसके अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब कि जी एक्स यानी जिसको हम डिवाइजर बोलते हैं वो उसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम बोल देंगे कि वो उसका फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो हम बोल देंगे कि उसका फैक्टर ये नहीं होगा। तो इसके ऊपर हम जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की जो स्टेप्स क्या है, कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी है कभी भी हम एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि px एक पॉलीनोमियल है 14x³ + 9x - 5x² - 1, इसको हमें एक दूसरा पॉलीनोमियल है gx - 1 + 2x, इससे क्या करना है डिवाइड करना है, मतलब px को डिवाइड करना है gx से, और हमें इसका क्वेश्चन बताना है अर्थात भागफल की वैल्यू बतानी कि कितना आएगा, और रिमाइंडर बताना है अर्थात इसका शेषफल बताना है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे वो देखो, px और gx को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है हमें वेरिएबल्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में लिखना है, वेरिएबल की जो पावर्स है ना, जैसे सबसे पहले हमने जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में देखें तो x की पावर 3 सबसे ज्यादा है, फिर 2 है पावर, फिर 1 है, फिर 0 है, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखो यहाँ पर px को कैसे लिखूंगा, सबसे ज्यादा वाली पावर क्या है 14x³, फिर कितना आएगा -5x², उसके बाद में +9x, और लास्ट में कितना आ गया -1। तो ये क्या आ गई px की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख दी, और gx की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 2x आगे आ जाएगा और -1 बाद में आ जाएगा, क्योंकि x की पावर या 1 है या कुछ भी नहीं है। तो हमने सबसे पहले नंबर वाली स्टेप हमने सॉल्व कर ली कि क्या है कि दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, हमने लिख लिया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो यहीं से हमें पता चलेगा कि हम डिवाइड कर सकते हैं या डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखो जैसे डिग्री ऑफ px निकालो और डिग्री ऑफ gx निकालो, मतलब कि px की घात निकालनी है, डिग्री का मतलब घात, और gx की भी डिग्री निकालनी है। तो जैसे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो हाईएस्ट पावर px की कितनी है, 3 है, और gx की कितनी है, 1 है। तो हमने दोनों की डिग्री निकालनी, फिर हमें ये कंडीशन देखनी है। देखो हमने देखी थी कि अगर डिवाइड करने की जो इंपॉर्टेंट कंडीशन वो क्या थी, px की जो डी मतलब डिग्री वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके, gx के डिग्री के। तो देखो क्या यहाँ पे px की डिग्री 3 इस gx की डिग्री से बड़ी हो रही है, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे मतलब आगे के स्टेप्स में जाएंगे। अगर अगर px की डिग्री क्या हो, छोटी हो किससे, gx की डिग्री से, मतलब कि px की घात जिसके अंदर डिवाइड करें उसकी घात, जिससे डिवाइड करें उसकी घात से छोटी हो, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप बोल देंगे कि कांट डिवाइड, यानी कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद में हम आते हैं स्टेप 3 में क्या करेंगे, तो जो भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है उसको हम नॉर्मल जैसे डिवीजन करते हैं हम उस तरीके से लिख लेते हैं। जैसे px को हमने कहां लिख लिया, यहां लिख लिया -5x² + 9x - 1, और जिससे डिवाइड करते हैं उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने यहां लिख लिया। अब देखो जो क्वेश्चन आएगा उसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, वो जगह के हिसाब से देख लेना, अगर मान लो इधर जगह नहीं बची हुई है तो इधर लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, बस बता देना कि भाई यहाँ हमने qx लिखा है। तो देखो स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, यही स्टेप हमें क्या करनी है, आगे बार बार दोहरानी पड़ेगी, तो ये ध्यान से समझ लेना, ये अगर समझ में आ गया तो पूरा आने वाले स्टेप 4 स्टेप 5 वगैरह सारी समझ में आ जाएगी। तो देखो क्या होगा, px के हाईएस्ट पावर वाले टर्म को, यानी px का हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा दिख रहा है, 14x³ दिख रहा है, इसको gx के हाईएस्ट पावर वाले टर्म से डिवाइड करो। अब gx का हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा दिख रहा है, 2x, इससे हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना। तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखो 2 से ये 14 तो 7 टाइम डिवाइड हो गया,
एक एक से एक एक्स कट गया तो दो एक्स बच गए ऊपर, तीन एक्स थे और एक एक्स कट गया, तो यहाँ कितना बचा 7x2। और उसके बाद में क्या बोला, जो भी रिजल्ट मिलेगा हमारे को, रिजल्ट को कहाँ नोट करना है, क्वेश्चन मेथड भागफल में नोट करना है इसको। तो हम क्या करते हैं, जो रिजल्ट आया हमारे पास 7x2, इसको हमने क्या किया, भागफल में नोट कर लिया। ये आप नोट कीजिए, फिर हम स्टेप 4 पे चलते हैं। मैं स्टेप 1 और 2 को मिटा दूंगा, स्टेप 3 हमारे को बार बार दोहरानी है, इसलिए मैं क्या करूंगा इसको लिखा रहने दूंगा। एक बार इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। अब हम देखते हैं स्टेप 4 में हमें क्या करना है। देखो स्टेप 3 में हमने क्या किया, इसकी हाईएस्ट पावर वाले टर्म को इसकी हाईएस्ट पावर वाले टर्म से डिवाइड किया, जो रिजल्ट आया उसको यहां नोट कर लिया। स्टेप 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला है, स्टेप 3 से जो रिजल्ट मिला हमारे को, उस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करो, जीएक्स से मल्टीप्लाई करो। तो उसने क्या बोला, स्टेप 3 से रिजल्ट क्या मिला, 7x2, इसको मल्टीप्लाई करना जीएक्स से। तो जीएक्स कितना है, इतना है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी करना है और इसको इससे भी करना है। तो इसको इससे करेंगे तो देखो 7 × 2 से किया 14 आ गया, x2 को x से करेंगे तो x क्यूब आ गया। तो 7x2 को 1 से करेंगे, माइनस का 1 है तो -7x² आ जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद में क्या बोला, देखो और जो भी हमारे को मिलेगा उसे क्या करना, px में से सबट्रैक्ट करो, मतलब कि px के अंदर से घटाना। तो अब क्या करेंगे, जो रिजल्ट मिला हमारे को इसको px में से घटाना है। लेकिन यहां घटाते वक्त ध्यान क्या रखना है, जो लाइट टर्म होगा ना, लाइट टर्म के नीचे लाइट टर्म लिखो, तो देखो जो समान पद होंगे, लाइक टर्म क्या होते हैं, जिनके अंदर वेरिएबल्स क्या हो, सेम हो और उनकी पावर सेम हो, उन टर्म्स के नीचे हम उन्हीं टर्म्स को लिखेंगे। जैसे देखो 14x³, उसको किसके नीचे लिखेंगे, 14x³ के नीचे लिखेंगे, और -7x², उसको x² वाले टर्म के नीचे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से इसको सबट्रैक्ट करना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो सबट्रैक्ट करने का मतलब है इसके अंदर से हमें माइनस करना है किसको, इसको सबट्रैक्ट करना है। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो ये माइनस अंदर सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करेगा, अगर वो माइनस का है तो उसको प्लस का बना देगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, और प्लस का है तो उसको क्या बना देगा, माइनस का बना देगा। तो यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि अंदर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसके क्या होंगे, सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट यहां लिख देंगे कि देखो ये जब स्पेस से ये सबट्रैक्ट किया जाएगा तो ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही तुम इसके साइन बदल दोगे, अब इन साइनों से हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमारे नए साइन क्या हो गया, माइनस हो प्लस हो गया, तो हम इन्हीं को अप्लाई करेंगे। तो देखो 14x³ -14x³, ये तो कितना आ गया, 0 आ गया, और -5x² +7x², तो ये क्या हो गया, प्लस का 2x² हो गया। तो स्टेप 4 में जो बोला था वो हमने स्टेप 4 में कर दिया। अब क्या करना है, जो बाकी का बचा हुआ इसको भी हम क्या कर लेते हैं, नीचे नोट कर लेते हैं। ये करने के बाद में हमें क्या करना है, देखो स्टेप 5 पे आना है। स्टेप 5 में रिपीट करना है वापस से जो भी हमने अभी किया है, स्टेप 1, 2, 3, 4 वापस से। और ये कब तक रिपीट करते जाना है, जब तक कि जो नया हर, देखो अब हमारे लिए ये किसका काम करेगा, पीएक्स का काम करेगा, जब तक इसकी डिग्री छोटी नहीं हो जाए किससे, इससे, तब तक हम क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। तो देखो सबसे पहले स्टेप 1 किए हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, देखो 2, 1, 0 और 1, 0, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें वहां पे वो स्टेप 1 हमारी कंप्लीट होगी। स्टेप 2 में क्या करना है, डिग्री चेंज करनी है। तो पीएक्स नया वाला पीएक्स, इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, यानी इसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए थी, इसकी कम होनी चाहिए थी, यहाँ पे कम है, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टेप 2 भी हमारी कंप्लीट होगी। स्टेप 3 में वापस से क्या करेंगे कि इसके px के हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को, यानी कि px के हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, 2x² इसको क्या करेंगे, gx के हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म, मतलब 2x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 से 2 डिवाइड हो गया 1 टाइम, और एक एक से एक एक्स कट गया, हमारे को क्या मिल गया, x मिल गया प्लस का। और जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको क्या करेंगे, हम क्वेश्चन पे नोट करते जाएंगे। तो हमें क्या मिला था, प्लस का एक्स, तो हमने क्या किया, उसको क्वेश्चन पे नोट कर दिया। अब करेंगे हम स्टेप 4। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट हमें मिला था स्टेप इससे जस्ट पहले वाले स्टेप से, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीएक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इस एक्स तो
किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 1 से, तो ये क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस x बनेगा। अब जो रिजल्ट आया है उसको क्या करेंगे, नए वाले px से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां हमने इस px में से सब्ट्रैक्ट किया था, तो नया वाला px क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है, x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे x स्क्वायर वाला टर्म लिख दिया, और x वाले टर्म के नीचे x वाला, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसके ब्रैकेट के बाद माइनस का, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये तो जीरो हो गया, और 9x प्लस x ये कितना हो गया, 10x हो गया, और लास्ट में माइनस का 1 बच गया, उसको भी हमने ऐसे कैसे नोट कर लिया। अब फिर से क्या करेंगे, अब स्टेप 6 पे जाएंगे हम, वो मैं यहां लिख देता हूं, स्टेप 6 में वापस से क्या करेंगे हम, रिपीट करेंगे 1 2 3 4, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो दिख रही होगी, देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 0 है, तो यानी कि इसको तो चेक करना ही नहीं है। फिर सेकंड में क्या करेंगे, इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, तो दोनों बराबर होंगे, तब भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब स्टेप 2 भी होगी कंप्लीट। स्टेप 3 में क्या करते थे, इसके हाइएस्ट डिग्री वाले टर्म यानी कि 10x को हम किससे डिवाइड करेंगे, इसके हाइएस्ट डिग्री वाले टर्म यानी कि 2xx को डिवाइड करेंगे, तो x से x कट गया, 2 ये 5 टाइम डिवाइड हो गया, कितने टाइम डिवाइड हुआ, 5, और जो भी रिजल्ट मिला इसको कहां नोट करेंगे, क्वेश्चन में नोट करेंगे, हमने इसको क्वेश्चन में नोट कर दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट मिला था इससे जस्ट पहले वाले स्टेप से, तो उसको हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे मैं इसको यहां कर देता हूं, देखो gx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो ये क्या बनेगा, 5 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 10x आएगा, 5 को माइनस 1 से किया तो माइनस 5 आएगा, और फिर जो रिजल्ट मिला उसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाले स्टेप में से, मतलब इस px में से, नए px में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये कितना है, 5 आया था माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त ध्यान रखना है, जिसको आप सब्ट्रैक्ट करें उसके साइन बदल जाएंगे ब्रैकेट के अंदर होने की वजह से, ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, तो 10x माइनस 10x तो 0 हो गया, और माइनस 1 प्लस 5 कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। अब हम वापस से स्टेप 1 को रिपीट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या देख रही है इसमें, तो 1 ही एक ही टर्म है, और यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टेप 2 देखो, यहां आप इसकी कांस्टेंट पॉलीनोमियल आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गया, इसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है कांस्टेंट वाले की, क्योंकि यहां मान सकते हो कि x की पावर कितनी है, 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, तो और इसकी डिग्री 1 है, इसका मतलब gx की डिग्री यहां ज्यादा हो गई और px की डिग्री क्या हो गई, कम हो गई, तो हम बोल देंगे कि देखो ये वाली कंडीशन हो रही है, जब स्टॉप कब करना है इसको, जब तक करना है जब px की डिग्री, देखो इसकी डिग्री 0 हो गई और इसकी डिग्री 1 थी, तो अब यही क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और हमारे को क्या पूछा था क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कितना होगा, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन आ गया, और ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, स्टेप्स को समझ समझ के, फिर हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो हमारे को पीएच दिया हुआ है 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 65, इसको gx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इसके लिए क्या करेंगे देखो, और साथ में हमारे को लास्ट में रिमाइंडर कितना आएगा और क्वेश्चन कितना आएगा इसकी वैल्यू भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, देखो ये तो px की यहां पावर 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 0 है, ये तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको तो हम ऐसे कैसे क्या कर लेते हैं, यहां नोट कर लेते हैं माइनस 65। अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिवाइजर, इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, x स्क्वायर सबसे ज्यादा पावर, फिर x वाला आएगा तो प्लस x है, और फिर माइनस 1, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला काम हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, इसकी पावर चेक की, हाईएस्ट पावर जो कि डिग्री कहलाती है, और इसकी हाईएस्ट पावर चेक करी वो भी उसकी डिग्री होगी, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की ही ध्यान रखनी है, या 3 है या 2 है, तो कंडीशन थी हमारी कि px की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किससे, gx से, तो देखो यहां इसकी डिग्री 3 है या 2 है, तो ज्यादा है, इसका मतलब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम अब स्टेप 3 पे आते हैं, डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, इसके हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म, हाईएस्ट पावर वाले टर्म को क्या करना है, इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो मैं इधर साइड में करता जाता हूं, तो सारी चीज इसको किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर से डिवाइड करना, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, x बच गया,
केवल कितना बच गया 6x, और जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको हम क्या करेंगे तो साइड में नोट कर लेंगे। मैं यहाँ नोट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा नहीं वो। इसके बाद में जो हमारे को साइड में नोट किया है इसको क्या करना है, पूरे के पूरे gx से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे 6x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² + x - 1 को, ये स्टेप 4 करना है। इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x को x³ से करेंगे, 6x³ हो गया, 6x को x से करेंगे +6x² हो गया, और 6x को -1 से करेंगे -6x हो गया। और इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है px के अंदर से, और ध्यान रखना है लाइक करके नीचे लाइक करके लिखना है। तो देखो जैसा 6x³ + 6x² - 6x, तो लाइक करके नीचे लाइक करके लिख लिया, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा था, बाहर माइनस था तो अंदर सारे चीज चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। अब हमारे लिए ये वाले साइन नहीं है वैलिड, हम लोग कौन से साइन को देखेंगे, केवल नीचे वाले साइन को, 6x³ - 6x² ये तो जीरो आ गया, 11x² - 6x², तो ये कितना हो गया प्लस का 5x² आ गया, और 39x + 6x तो प्लस का माइनस का 33x हो गया, और -65 ऐसे कैसे नोट कर देंगे। फिर से वापस क्या करेंगे, स्टेप 1 पे आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म है 210 पावर है x की, यहाँ 210 है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टेप 2 पे आएंगे, वहां क्या करेंगे हम डिग्री चेक करेंगे, तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, अगर दोनों सेम होती है तो भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर हम स्टेप 3 पे आएंगे, तो इसके हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को यानी 5x² को इसके हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म यानी x² से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, x² से x² डिवाइड हो गया 1 टाइम, केवल कितना बच गया 5 बच गया। ये जो 5 था इसको क्या करेंगे क्वेश्चन पे नोट करेंगे, यानी भागफल में इसको नोट कर लिया हमने, और फिर जो भी रिजल्ट मिला हमें इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन से क्या कर देंगे, मतलब जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर से यानी कि gx से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बनेगा 5x² + 5x - 5 बनेगा, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे 5x², इससे करेंगे 5x, इससे करेंगे माइनस का 5 आ गया। तो इन सबको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, नए वाले px में से, ये वाला ओरिजिनल px था, अब नए वाले px में से लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखते हैं, 5x² + 5x - 5, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया। तो देखो ये तो जीरो हो गया, 5x² - 5x² जीरो हो गया, -33x और -5x ये हो गया -38x, और -65 + 5 तो ये हो गया -60। फिर से वापस स्टेप 1 को रिपीट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, यहाँ पावर कितनी है डिग्री, स्टेप 2 के अंदर डिग्री चेक करनी, इसकी 1 है इसकी 2 है, यानी कि इस बार gx की डिग्री क्या होगी px के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो देखो जब तक डिवाइड करना था, जब तक की px की डिग्री क्या थी, मतलब जब तक डिवाइड करना है जब तक की px की डिग्री ज्यादा रहे और बराबर रहे किसके gx के, लेकिन यहाँ क्या हो गया px की डिग्री कम हो गई किससे gx से, तो हम बोल देंगे कि यही क्या कर देंगे इसको स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारा रिमाइंडर है, मतलब शेषफल है, और ये है हमारा क्वेश्चन है अर्थात भागफल है। तो ये भी हमने निकाल लिया, इसी को भी नोट कर लीजिए। फिर इसके अंदर एक और स्टेप करनी होती है हमारे को, इसको वेरीफाई करके बताना होता है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं स्टेप्स को मिटा दूंगा फिर। तो डिवीजन एल्गोरिथम से हमने जो आंसर निकाला है इसको हम वेरीफाई करके भी देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो हमें पता है कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, अर्थात जो भाज्य होता है वो क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यहाँ हमारा जो डिविडेंड था वो हमने px माना था, जिसने डिवाइड किया था उसको gx माना था, और रिमाइंडर rx आया था, क्वेश्चन क्या था qx था, तो इनके बराबर होता है। लास्ट में ये भी ध्यान रखना कि ये वाली ये हमें तभी अप्लाई करना है जब लास्ट में rx की डिग्री क्या हो जाए छोटी मिल जाए किससे हमारे को gx से, जिससे डिवाइड करना है, वरना तब तक हमें क्या करना है डिवाइड करते रहना है। तो देखो अब क्या करना है हमारे को, यानी कि डिविडेंड कितना था ये था, यहाँ पे साइड नोट कर लिया, हमारा डिवाइजर कितना था जिससे हमने डिवाइड किया था वो ये था, क्वेश्चन कितना आया था 6x + 5 आया था, और रिमाइंडर कितना था -38x - 60 था। तो इन सबको यहाँ नोट कर लिया, अब हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, और
अगर ये लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो हम बोल देंगे कि हमारा आंसर सही है, अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो बोल देंगे कि हमारे आंसर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। पहले एक्स स्क्वायर को इन दोनों से करेंगे, एक्स स्क्वायर को सिक्स एक्स से करेंगे तो सिक्स एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर को प्लस के फाइव एक्स से प्लस फाइव से करेंगे तो फाइव एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर को हमने दोनों से कर लिया, एक्स को इन दोनों से करेंगे तो एक्स को सिक्स एक्स से करेंगे तो प्लस का सिक्स एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स को फाइव एक्स से करेंगे, फाइव से करेंगे तो फाइव एक्स आ जाएगा। फिर माइनस वन को दोनों से करोगे तो ये क्या होगा, माइनस का सिक्स एक्स होगा और माइनस का फाइव हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन से ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस वाला ये भी माइनस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट के बाद प्लस है तो प्लस माइनस माइनस थर्टी एट एक्स हो गया और प्लस माइनस माइनस 60 हो गया। इन सबको देख लो, जो भी लाइक टर्म्स है यानी समान पद उनको जोड़ लेते हैं, अगर एड हो रहे तो देखो क्यूब वाला टर्म तो अकेला ही है, स्क्वायर वाले टर्म दो जगह आ रहे हैं, देखो ये और ये 5 और 6 कितना हो गया 11 एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स वाले टर्म तीन जगह आ रहे हैं, देखो 5x माइनस 6x तो ये माइनस एक्स हो गया, और माइनस एक्स और माइनस 38 कितना हो गया माइनस 39x हो गया, और माइनस फाइव और माइनस 60 कितना हो गया माइनस 65 आ गया। तो चेक करो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या होगा सही है। इसको भी नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर। अब हम एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो कि जी एक्स बोला हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये बताना है कि क्या ये इगन फैक्टर यानी कि ये गुणनखंड है ऑफ px = 2x पावर 4 - 3x क्यूब - 3x स्क्वायर + 7x - 3। इसका मतलब हमें ये चेक करके बताना है कि जो gx है वो इस वाले px का इस वाले पॉलीनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो ये चेक करके बताना है। तो फैक्टर होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि लास्ट में जो रिमाइंडर है अगर 0 आ गया तो हम बोल देंगे कि फैक्टर है वरना फैक्टर नहीं है। तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, लास्ट में रिमाइंडर चेक करते हैं, रिमाइंडर अगर जीरो मिल गया तो हम बोल देंगे कि फैक्टर है वरना फैक्टर नहीं होगा। तो हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा स्टेप वन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो पीएक्स को यहां लिख देते हैं और जीएक्स को यहां लिख देते हैं। तो देखो 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 3, इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है। तो देखो सबसे पहले हमने स्टेप 1 कर ली, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था लिख लिया, अब स्टेप 2 करनी है। स्टेप 2 में क्या करना था, पावर देखनी है, इसकी पावर 4 है इसकी पावर 2 है, मतलब इसकी डिग्री पूरे की पॉलीनोमियल की 4 है इसकी 2 है, तो बोल देंगे कि डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करेंगे इसके हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म से क्या करना है डिवाइड करना है। तो 2x पावर 4 को किससे डिवाइड करना है x स्क्वायर से, तो ये दो बार कट गया, ये कितना आ गया 2x स्क्वायर आ गया, 2x से 2x कट गए और ये 2x बच गए। तो 2x स्क्वायर को कहां लेफ्ट साइड पे नोट करेंगे, 2x स्क्वायर हो गया। और तो अब इसको क्या करेंगे, जो स्टेप 3 से रिजल्ट आया है इसको पूरे के पूरे gx से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 2x स्क्वायर को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे करेंगे तो 2x पावर 4 हो गया, इसको इससे करेंगे तो माइनस 4x क्यूब हो गया, इसको इससे करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करना है सबट्रैक्ट करना है इसमें से हमारे px में से, तो 2x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक बार देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई है, ये सही है माइनस 4x क्यूब है ठीक है। तो देखो अब इसको सबट्रैक्ट करना है तो सारे साइन बदल जाएंगे, ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, 2x पावर 4 माइनस 2x पावर 4 0 हो गया, 3x क्यूब माइनस का प्लस का 4x क्यूब है तो प्लस का 1x क्यूब बच गया, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो माइनस 5x स्क्वायर हो गया, और प्लस 7x माइनस 3 को हमने क्या किया वापस से इनको ऐसे कैसे नोट कर लिया। अब वापस से स्टेप 1 2 3 4 दोहरानी है हमारे को, 1 देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो हो गई खत्म, 2 में क्या करना है इसकी डिग्री चेक करनी है, इसकी 3 है इसकी 2 है, इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी ज्यादा है हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, इसके हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को मतलब हाईएस्ट पावर वाले टर्म x क्यूब को किससे डिवाइड करना है, इसके हाईएस्ट पावर वाले टर्म x स्क्वायर से हमारे को डिवाइड करना है। तो देखो 2x से 2x करके 1x बच गया, इसको क्वेश्चन पे नोट करना है, हमने क्वेश्चन पे नोट कर लिया, फिर क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है हमारे gx से, तो gx कितना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है,
तो इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब आएगा, एक्स को माइनस टू एक्स से करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स को वन से करेंगे तो एक्स आएगा। और इसको क्या करना है, सेपरेट करना है इसमें से। तो देखो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इनको सेपरेट करना है तो ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, तो ये तो जीरो हो गया। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये माइनस पांच एक्स, पांच एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स स्क्वायर ये माइनस का तीन एक्स स्क्वायर हो गया, और सेवन एक्स माइनस एक्स कितना हो गया, प्लस का सिक्स एक्स, और ये माइनस थ्री। फिर से स्टेप वन टू थ्री को स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसकी पावर टू है, इसकी भी पावर टू है, मतलब इसकी डिग्री क्या है, टू है, पॉलीनोमियल की नए वाले इंडेक्स की, इसकी भी डिग्री कितनी है, टू है, तो हम बोल देंगे तो क्या है, दोनों की डिग्री अगर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, वापस से इस एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कितना है, माइनस तीन, इसको हमने कैसे पे नोट कर लिया, और इस माइनस थ्री को क्या किया, पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे आजल से। तो ये कितना है, टू एक्स प्लस वन, इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स एक्स और माइनस का थ्री। अब इनको इसमें से सबट्रैक्ट करना है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री, सबट्रैक्ट करेंगे साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, प्लस का, माइनस सिक्स एक्स थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ये जीरो हो गया, सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स ये भी जीरो हो गया, माइनस थ्री प्लस थ्री ये भी कितना हो गया, जीरो आ गया। तो हम बोल सकते हैं लास्ट में हमारे को कितना मिल गया, जीरो मिल गया। और अगर लास्ट में रिमाइंडर अर्थात शेष पर जीरो मिल जाता है तो हम बोल देंगे कि ये वाला जो जी एक्स है ये क्या होगा, इस वाले पी एक्स का एक फैक्टर होगा, यानी किसका एक गुणनखंड होगा। इसको भी नोट कर लीजिए आप। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर सिक्स खत्म होता है। लेक्चर नंबर सेवन में हम रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय को पढ़ेंगे और उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। आई होप आपको लेक्चर नंबर सिक्स पसंद आया होगा और पूरा आपको हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और थैंक यू।